तो नमस्कार दोस्तों, आप जो लाडली बहना योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसका ऐप क्या है, कैसे डाउनलोड करना, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे आपको प्ले स्टोर में आना है, तो चलिए हम प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे आपको लिख देना है, हिंदी में लिख दें आप, जैसे कि ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। इसको लिखने के बाद सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐप आपके सामने आ जाएंगे, ये देख रहे हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा डाउनलोड करें, तो हम आपको बताइए। देख रहे हैं आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैप आईटी, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, सीएम लाडली बहना। ये आप देख लें इसका इंटरफेस कैसा हुआ, ये देख दिखा देते हैं हम आपको। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल लिखा होगा, आप देख सकते हैं ये। तो चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं हम आपको। ये आप देख सकते हैं ये ओपन हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो आ रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो ये ऐप हो गया। उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो है इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर OTP आएगा, वो OTP फिलअप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपको इसमें ID डालना पड़ेगी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ID पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। चलिए आपको बता दें कि कैसे आपको उसमें लॉगिन करना है। आप जैसे ही इस पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ विभागीय यूजर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो यहाँ अपने को आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है और OTP प्राप्त कर पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं और OTP प्राप्त पे क्लिक कर देते हैं। सिक्योरिटी रीजन का हम आपको ये ब्लॉक कर देंगे, तो ये देख लें आप इसमें OTP प्रविष्ट करें तो आपके मोबाइल पर आप देखें, आप जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ उस पर OTP आया हुआ। OTP आने के बाद इसमें OTP भरना और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो चलिए हमारा OTP आ गया, हम OTP इस पे जो फिल कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। लॉगिन पे आपका यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा है, कैप्चा आपको भर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए आप इसमें UID पासवर्ड और कैप्चा भर देते हैं और फिर लॉगिन करके आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है यूजर नेम भर दिया, पासवर्ड भर दिया, कैप्चा भर दिया और लॉगिन पर आप क्लिक कर देते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। तो आपकी इस ID से जो आपने लॉगिन किया उसमें कितने पहले फॉर्म दर्ज हो चुके हैं तो वो संख्या जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आ रही कुल दर्ज आवेदन 1 और कुल स्वीकृत आवेदन 0 आ रहा है, तो ये दो इंटरफेस आएंगे और नीचे लिखा है आवेदन दर्ज करें। अब आपको नया आवेदन दर्ज करना तो नीचे लिखा है आवेदन दर्ज पर क्लिक करें और ऊपर जाके आप ये 3 लाइन दिख रही हैं लेफ्ट हैंड में, उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी आपकी पासवर्ड आईडी किसकी है, किसके नाम से है, ये सारी जानकारी भी देख सकते हैं। चलिए आपको बता दें हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इंटरफेस खुला है पूरा, इसमें नाम है, मोबाइल नंबर है, जिले का नाम आ जाएगा, नगरीय विकासखंड का आ जाएगा, डैशबोर्ड, आवेदन भरें, आवेदन पंजीकृत बहना की जानकारी, डाउनलोड मैनुअल, पासवर्ड बदलें और अन्य जानकारी आ जाएगी। चलिए आपको बता दें कैसे कैसे आवेदन करना है। तो चलिए यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन पत्र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में, उसके नीचे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है सदस्य समूह ID, दूसरा आ रही है समग्र परिवार ID। आप दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो समग्र आईडी पर सदस्य समग्र आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 9 अंकों की समग्र आईडी डालना होगी और कैप्चा यहाँ फिल करके आगे बढ़े क्लिक करना है। यदि आप समग्र परिवार आईडी डालते हैं तो 8 अंकी परिवार आईडी डालेंगे आप और ये कैप्चा दे रखा है, ये कैप्चा भरना आपको और उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करें। यानी कि आप दोनों प्रकार से, यदि समग्र आईडी सदस्य की है तो उससे भी कर सकते हैं और परिवार की है तो उससे भी कर सकते हैं। अब परिवार की में ये फायदा होगा कि उस परिवार में कितनी महिलाएं पात्र हैं उनकी जानकारी एक साथ आ जाएगी परिवार समग्र आईडी डालने पर। तो दोस्तों यहाँ हम आपको पंजीयन कैसे करें बताने वाले थे, लेकिन अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और जैसे हमने उस पर पंजीयन के लिए समग्र आईडी डाली और आगे बढ़े पर क्लिक किया तो उसमें समय लिखा आया कि सुबह 8 बजकर के रात के 9 बजे तक कर सकते हैं, तो इस कारण से ये वो नहीं पाया पंजीयन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मोबाइल से आप पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, यार फिर भी आपसे डाउनलोड नहीं होता तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।